नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। इंदौर के निरंजनपुर के रिहायशी इलाके में एक 19 वर्षीय टिंकू नामक युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रतिदर्शियों के अनुसार ये बताया गया कि घटना के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। इस घटना की जानकारी बाद में पता चली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची मौके पर और जांच में जुटी। अभी पूरी घटना का खुलासा नहीं हो पाया। एक युवती की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। युवती का नाम टिंकू है, उसके पिताजी का नाम राजू है। युवती की शादी पूर्व में राजस्थान हुई थी, लेकिन उसने अपने पति को छोड़ दिया था। फिर वो यहाँ इंदौर आ गई थी। इंदौर में भी उसकी दो अलग अलग जगह शादी हुई थी, लेकिन उसने दोनों पतियों को छोड़ दिया। वर्तमान में नई बस्ती निरंजनपुर में अपने मौना के मकान में वो अकेली रहती थी और रसोई बनाने का काम करती थी। अभी दिन में 11 और 11:30 बजे तक आसपास की महिलाओं ने उसको देखा था। यहाँ टैंकर आया था तो 11 बजे करीब उसने पानी भी भरा था। उसके बाद जब मैत्रानी यहाँ पे आई, उसने दरवाज़ा फिर कटाया तो झाँक के देखा तो युवती पलंग पे मौत अवस्था में पड़ी थी। उसके बाद जिसको यहाँ पे आके अभी दृष्टया ये पाया गया है कि युवती को चाकू मार के हत्या की गई थी। अभी फिलहाल किसी भी आरोपी का पता नहीं चला क्या 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 कारण है। अभी यही जानकारी में नहीं आया है। कितने चाकू लगे हैं? लगभग करीब 6-7 घाव लगे हैं। यहाँ पे देखा गया है कि पास में फुटेज के कैमरे लगे। भाई मेरा कैमरा नीचे रखो नीचे। उसमें क्या पाएगा? अभी फुटेज कैमरे के नहीं देखे गए, प्रयास किया जा रहा है। फुटेज मिलते हैं फुटेज से ग्राउंड लेवल से पूरी ही घटना का पर्दाफाश किया जाए। घटना स्थल कौन सा? जरिए नई बस्ती निरंजनपुर।